मैं साले उधर कहाँ जा रहा है, मुझे कवर दे। हाँ साले, तुझे कवर देने के चक्कर में खुद मर जाऊँ मैं। सर 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 सर, यार साले तेरे सर पैर सब पिछवाड़े में डाल दूंगा, तेरे चक्कर में मर गया। सर आप तो सिर्फ गेम में मरते हैं, बिहार में मासूम बच्चे मर रहे हैं। ऐसी हमें देश में सिर्फ एक बच्चे की फिक्र है और वो है तैमूर बाबा। दलवीर चेक करिए जरा, उनकी कोई अपडेट आई क्या? ले तैमूर बाबा ने आज फिर पीली टट्टी करी है। सो क्यूट। वाह सर, आपको तैमूर की पड़ी है और वहाँ बिहार में नेताजी को मैच की पड़ी है। तो ऐसा है भैया, नेताजी का पैसा भी तो लग रहा होगा ना मैच के ऊपर। अब जब आदमी सट्टा लगाएगा मैच पे तो उसको तो मैच के स्कोर की पड़ी होगी। वहाँ की सेंचुरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 बच्चे मर रहे हैं तो मरते रहे। और भैया मुझे पक्का पता है नेताजी को शौक से सट्टाएं लगा रहे होंगे, उनकी मजबूरी यार, उन्होंने लाखों करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्चा होगा, कहां से रिकवर करेंगे। और जब हम भी मैच के ऊपर पैसा लगाएं तो हमें भी सिर्फ मैच के स्कोर की पड़ी हो, हम टीवी से चुपके रहें, फिर चाहे घर के बाहर बम फट रहा हो या काहे की गांड, हमें कोई मतलब नहीं। सही है सर, काश कोई इतने अच्छे तरीके से मासूमों की मौत का कारण भी बता पाता। ले कारण मैं बता दे रहा हूँ, बिहार में बच्चों की मौत का सीधा सीधा कारण यह है कि वहाँ पे 3000 करोड़ की कोई मूर्ति ना है। अब गुजरात में है, देख ले गुजरात में कोई बालक ना मरता है। सरकार के अंदर अकेली, तभी तो उन्होंने जो मूर्ति पे पैसा लगाया, वरना ऐसे बेड बना सके, बिस्तर बना सके, अस्पताल में दवाई डॉक्टर ले आते, पर ना उन्होंने मूर्ति खड़ी करी। और मैं तुझे गारंटी से लिखित में दे रहा हूँ कि ये मूर्ति जो है अस्पताल से तो लाख गुना बढ़िया है। तो है ही, अपने गाँव का मोनू ना है, उस साला उल्टी सीधी हरकतें करता डोलाया, वाई पकड़ लिया, एचआईवी वायरस ने गुजरात गया, 2 दिन मूर्ति के नीचे बैठा, सारा वायरस बॉडी से बाहर आ गया। चला तो सर मोदी जी भी रहे ट्विटर, शिखर धवन के बारे में लिख रहे हैं लेकिन बच्चों के बारे में चुप है। साले मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा मार रहा, मारूं इसे मुंह पे चप्पल खींचे। साले चप्पल पे लगा राहुल गांधी दिख रहा है, सॉरी। हाँ तू जो यूं कह रहा, मोदी जी ने शिखर धवन के बारे में ट्वीट करा बेटा, उस ट्वीट के अंदर हिडन मैसेज है बच्चों के बारे में भी, वो तो हम अनपढ़ आदमी हम डिकोड ना कर पा रहे हैं। और तुझे साले मैसेज की पढ़ी है, कभी कमेंट में समझा लेंगे लोग मोदी जी क्या कहना चाह रहे थे और क्या लिखा है। समझ गया सर, सरकार से सवाल पूछो तो गाली ही मिलती है सर। ऐसी है साले, सरकार पे 100 जरूरी काम है, योगा डे मनाना है, यू करना वो करना, उन पर टाइम ना है तुझे गाली देने का। और साले तुम्हें लगता क्यों है कि अब सरकार को तुम्हारी चिंता होगी? है बस, सरकार जिन जवानों के नाम पर बनी है ना, उन्हें उनकी चिंता ना है। बेचारे 50 साल पुराने जहाज उड़ा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं, साले तुम्हारी फिक्र करेगी सरकार है। भाई अब तो इलेक्शन हो गए, अब तो छुट्टी, अब चाहे किसी का बालक लू लगने से मरो या जो ऐसे चमकी बुखार से मरो, सरकार को क्या पड़ी है, वोट मिल गए, जब अगले इलेक्शन आएंगे तब की तब देखी जाएगी। अब तो मस्त संसद भवन में कॉमेडी शो चल रहा है, एक आदमी कविता सुना रहा है, बाकी सारे दांत दिखा रहे हैं, सब मौज बाहर है। बुरा तो सर ये देख के लग रहा है हॉस्पिटल में ना दवाई है, ना बेड है और ना ही डॉक्टर्स। तो साले डॉक्टर तुम बनने कहां दे रहे हो किसी को? अब संजू बाबा MBBS फिल्म में डॉक्टर बनना चाह रहे थे, वो गंजे टकले अस्थाना ने बनने ना दिया। अब शायद कपूर अच्छा खासा डॉक्टर बन रहा था इसमें कबीर सिंह में, वो लोंडिया छोड़ के चली गई, बेचारा गम में आशिक होगा। इतने सीरियस मैटर में आप फिल्में कहां ला रहे हैं सर? तो साले रियल लाइफ में कौन से डॉक्टर सेफ हैं? बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडे मार रहे हैं डॉक्टर को, बिहार के अंदर वो न्यूज चैनल की रिपोर्टर जाके उन्हें तंग कर रही है। और बंगाल की तो मुझे समझ ही ना आ रही है कि तुम डॉक्टर को मार रहे हो, डॉक्टर को तो पता है कैसे इलाज हो सके, अब डॉक्टर ने बदले में तुम्हारा सर फाड़ दिया तो कहां से इलाज कराओगे बेटचोदो? और न्यूज रिपोर्टर की चलो हमने मानी, बचपन में वाकई डॉक्टर ने सुई हुई लगाई होगी तो उसे थोड़ी डॉक्टर से दुश्मनी होगी, पर इसका मतलब यू थोड़ी है कि बड़े हो जाओगे तो ऐसे बदला लोगे फिर डॉक्टर से। और क्या, अरे मैं तो कह ही रहा हूँ, जब तू अस्पताल गई है डॉक्टर से मिल लिया, तुमने 2-4 पेज कसवा लेती, पागल लगा दिमाग से। न्यूज़ वाले तो सर कुछ भी करेंगे TRP के लिए, आप ये बताइए बिहार के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देख भैया, जिन्हें सोल्यूशन देने के लिए चुना गया है, जब वही कुछ सोल्यूशन ना दे तो हम कहाँ से देंगे? बस यही है कि इस गर्मी में अपने आसपास अगर तुम्हें कोई भी गर्मी से पीड़ित दिखाई दे तो उसे पानी पिलाओ, खाना दो, उसकी हेल्प करो। एक सेकंड जरा कॉल आ रही है। साले रामवीर ऐसी है, ज्यादा बहाना मत ना मारा गर्मी का, जो बोरी चढ़ाने को दिए सारी चढ़ा के जाएगा वरना तनख्वाह काट लूंगा। और रख तू, कंटिन्यू कर। देख भैया सीधी बात यह है कि उन गरीबों की गलती है कि वो गरीब है, अब हमारा क्या, हम पे तो अच्छा फोन है, अच्छा नेट है, हम क्या करें, पूरे दिन घर में बैठ के #सेम चला देंगे, बहुत ज़्यादा समाज के लिए कुछ करने का हो तो बाहर निकल के कैंडल मार्च कर देंगे, एक सेल्फी डाल देंगे, किसी फेसबुक पोस्ट पर कोई बच्चे की फोटो दिख जाएगी तो रेस्ट इन पीस लिख देंगे, बाकी पड़ी हमें भी देख मैच के स्कोर की है। स्कोर क्या हो रहा है? अरे स्कोर छोड़े, देखते हैं अमूर बाबा का नया वीडियो आया है। अरे यार इसमें तो पीला पेशाब कर रहे हैं यार, सफ़ेद पेशाब इतना क्यूट लगता है यार इनका, पूरा मूड ही खराब हो गया यार। हाय एवरीवन, वी होप जो ये एक सटायर आज की वीडियो में हमने बनाने की कोशिश की है वो आप तक पहुंचा होगा, क्योंकि हमें लगता है एज एन आर्टिस्ट ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो भी ऐसे इश्यूज हैं जो सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं उन पे हम लोग बोलें। और अगर आपको हमारा मैसेज सही लगा है, अच्छा लगा है, तो आप बस कुछ मत कीजिए, इसको शेयर कीजिए, गॉड नोज शायद ये उन तक पहुंच जाए जो लोग इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू।